जी रफ़ीक अंसारी सीएससी कैफ़े चलाते हैं गुट्टू में प्रज्ञा केंद्र। वो जब दुकान बंद करके वही 7:30 बजे के आसपास अपना घर वापस जा रहे थे, तो उसी के दरमियान में बीच में सुनसान रास्ता है, उसी रास्ते पे पहला ताहिर अंसारी और दूसरा मुजाहिद आलम, तीसरा मनीर अंसारी, उन लोगों के साथ में और 4-5 आदमी थे। उन लोगों ने उनको बीच रास्ते पर रोका सबसे पहले और उनके पीछे से अचानक से वार किया जिससे वो गिर गए। सब मिल के हमको मार गिराया वही जगह, बाइक में हम जा रहे थे और जो मेरा बैग में पैसा वैसा था उसको छीन भी लिया और एक मेरा हाथ तोड़ दिया, मनीर अंसारी ने राइफल निकाल के तोड़ दिया और किसी तरह उस जगह से जान बचाए। रफीक आलम पर हुआ जानलेवा हमला, 8 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। राजधानी रांची के ठाकुरगांव निवासी रफीक आलम बैंक ऑफ इंडिया में बीसी है। गुट्टू बाजार टान में उनका सीएसपी सेंटर है। बीते 29 जुलाई सोमवार को पतरातू में सोनम भट्टा के पास बुलेरो में सवार मुजाहिद आलम, शोएब अंसारी, कुदूस अंसारी तथा नयूम अंसारी द्वारा जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया गया। उसी दरमियान उन्होंने गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए अपने राइफल के बट से रफीक आलम के दाहिने हाथ को मारकर तोड़ दिया। रमजान अंसारी और सरवर आलम ने रफीक आलम को रड एवं लाठी तथा धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन उसी समय स्थानीय ग्रामीण सहबान अंसारी, शमीम अंसारी और सफीना खातून को आते देख अपराधी रफीक आलम के पास से सीएसपी बैग लेकर भाग गए, जिसमें एक एचपी लैपटॉप, 1,45,000 रुपए एवं अन्य सामग्री था। इस घटना के बारे में उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज की। वहीं परिजन एवं ग्रामीण आक्रोशित है कि इस घटना को हुए करीब 8 दिन हो गए, लेकिन फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। स्थानीय पुलिस का हाथ अभी भी खाली है। वहीं परिजनों का आरोप है कि अपराधी हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं और खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। पहले का क्या कुछ जो मारपीट हुआ, क्या पहले का दुश्मनी वगैरह था क्या कुछ? सर उतना तो मुझे पता नहीं है, मैं उनका जड़साला हूँ और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इनका पहले भी एक मरतबा लड़ाई झगड़ा हुआ था। और लड़ाई झगड़ा किस बीच में हुआ था, कैसा था? इनका मैटर था कि हमको बहनोई जी मेरा है अंदर में पड़े हुए हैं, वो हमको बताए थे कॉल करके कि हम लोग का कुछ लड़ाई हुआ है मस्जिद का कुछ चंदा कर लेकर के, जो पहले यही बताए थे ताहिर नाम करके है कोई लड़का, वो पहले थे यहाँ सदर, वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे थे और गांव वालों का कहना था कि अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको इस्तीफ़ा दे दिया जाए, लेकिन वो अपना ईगो में थे और इस्तीफा नहीं दे रहे थे। इसी बीच में जो है कि इन लोग के बीच में कुछ हाथापाई भी हुआ और उसी समय से लड़ाई झगड़ा का ये बुनियादी शुरू हुई है। हाँ, और ये 29 अभी अभी जो है ताहिर अंसारी जी, नहीं रफीक अंसारी, अभी, अभी 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 जो है हॉस्पिटल में। हाँ, वो आपके कौन हुए? वो मेरा बहनोई है। बहनोई? हाँ, वो मेरा बहनोई है। क्या नाम हुआ उनका? उनका रफीक अंसारी नाम हुआ और मैं उनका देड़साला हूँ, नसीम अंसारी मेरा नाम है। ठीक है, हमको फ़ोन करके बुलाया गया। 29 तारीख को इनके साथ मारपीट हुआ, ये जा रहे थे अपना दुकान बंद करके घर और बीच रास्ते में इनके साथ मारपीट हुआ। इनका बैग में लगभग 1.5 लाख रुपया पैसा भी था और उसको भी चोरी छीन करके भाग गया। इतना बुरी तरह से मारा, उनका हाथ में रॉड लगा हुआ है और उनका पैर में थाई में पूरा काला पड़ गया है, ये वाला हाथ फ्रैक्चर पड़ गया है, सर में 8-9 टक्का लग चुका है सर। और एक बात, और हम उम्मीद करते हैं सर कि जो भी इनको मारे हैं उनको प्रशासन की तरफ से कुछ कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि ये ठीक होंगे कब होंगे, कैसे होंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा अभी मालूम नहीं है कि क्योंकि इसमें रोड लग चुका है सर। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को दे और हम लोगों के प्रति कुछ अपना दिखाएँ। सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा
कि जो जा रहे थे उसी दरमियान में इनके साथ में जो बैग था वो बैग में लैपटॉप था और पैसा वही लेन देन करते हैं, आधार कार्ड से पैसा निकालना घुसाना करते हैं, तो उसके दरमियान में उनके पास में कैश था वही 1,40,000 रुपया, वो भी उन लोगों ने छीन लिया। और ये जो सारा का सारा जो गैंग चला रहा है वो मनीरुद्दीन अंसारी और ताहिर अंसारी वही दोनों का काम है, मेन मास्टरमाइंड। पिछले बार भी जो मैटर हुआ था 29 अगले महीना जो 29/7 को, उसमें भी उन लोगों के द्वारा हम लोगों के द्वारा उनको FIR किया गया था। उस FIR में उन लोग का जो धारा 307 लगा था वो भी DSP साहब की तरफ से मिली भगत कहीं ना कहीं हम लोगों को लगा और उनका सुपरविजन में नाम ही हटा दिया गया, जबकि मेन वही था, मेन मुजरिम वही था और उसी का नाम को हटा दिया गया। उससे उन लोगों का मनोबल बढ़ा और कहीं ना कहीं जाके फिर से वैसा कांड कर दिया। अगर इस तरीके से अगर स्थानीय प्रशासन अगर हम लोगों का अगर सहयोग नहीं करती है तो ये तो फिर आने वाले दिन में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल तो मैं मुजरिमों को गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। और मैं ऐसे कौन हुए, रफीक अंसारी का पड़ोसी हुए। पड़ोसी हुए जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहबान अंसारी हुआ। और गुट्टू से मेरा CSP सेंटर है, वहाँ से मेरा घर पतरातो बस्ती 2-4 किलोमीटर दूर में है। मैं घर जा रहा था वही समय भाठा जगह है, वो लोग जो हमारा जो मारा है लोग का वही जगह भाठा चलाता है, जो ताहिर अंसारी मनीरुद्दीन अंसारी और उसी का घर का मुजाहिद था, कुदूस था, मनीर अंसारी था, सब मिल के हमको मार गिराया वही जगह। बाइक में हम जा रहे थे और जो मेरा बैग में पैसा वैसा था उसको छीन भी लिया और एक मेरा हाथ तोड़ दिया, मनीर अंसारी ने राइफल निकाल के तोड़ दिया। और किसी तरह उस जगह से जान बचाएं, कहाँ बचाइए, किसी को देखा रास्ता में चलने वाला कोई देखा तो बोला कि सलाह को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन सबको देख के भाग गया और बच गए किसी तरह, न तो हम लोग को पूरा जान मारने का वो सबका इरादा था। और मारते साथ बोल रहा था कि साला जिंदा नहीं छोड़ना है, मर्डर कर दो इसको। इसी तरह से बहुत पीटा, इतना मारा कि लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे। ये तो आप जा रहे थे उस टाइम में कितने लोग थे वहाँ पर? वहाँ 7-8 आदमी मिल के मारा है अकेले, 7-8 आदमी। मैन ये था ताहिर अंसारी था, मनीर अंसारी था, रमजान अंसारी था, ये तीनों ने थार गाड़ी रोका और तीनों उतरा और आगे से बोलेरो खड़ा कर दिया, मतलब दोनों तरफ से छेक लिया हमको। हाँ हम ऑफिस से जा रहे थे, मेरा CSP सेंटर है और गुट्टू में, वहाँ से हम घर जा रहे थे। शाम का समय था, 7 बजे लगभग था शाम का। दोनों तरफ से छेक लिया, सिर में वार किया पहले ताहिर अंसारी, उसके बाद मनीर अंसारी ने गाड़ी से ढकेल लिया। पहले से दुश्मनी कुछ वैसा कुछ दुश्मनी नहीं था, ईद के समय हुआ था, वही चंदा का लेके हुआ था कुछ बात सदर सेक्रेटरी के बारे में कि भैया चंदा उंदा का, वही समय से मस्जिद वजिद छोड़ दिया था, वो लोग नमाज रोज़ा करने नहीं आ रहा था, उसी का लेके वो सबको टेंशन हुआ था। हम लोग मस्जिद में थोड़ा आना जाना करते थे, उसी का देख के उसको ये था, बस इसी की वजह से मारा, और कोई दुश्मनी उसके साथ नहीं था हम लोग का। सब गोतिया भाई है लेकिन जान से मरने का उन लोग का फेवर में रहता है हमेशा, और सबको बोल धमकी दिले चलता है हर जगह कि छोड़ेंगे नहीं, एक करके मारेंगे, जान से मार देंगे सबको। मेरा तो जान बच गया लेकिन और हमको शक है किसी को न किसी को और मारेगा, हमको लग रहा है, डर लगल रहता है। प्रशासन को भी केस उस 2 बार दिए, एक बार पिछले बार का भी, सबका कोई कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन, कुछ कार्रवाई नहीं करता है, पैसा वैसा ले लेता है, वही सबका फेवर में काम करता है, हम लोग का फेवर में कोनो काम ही नहीं होता है। उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, अब तो लास्ट एक ऑप्शन समझें कि मीडिया वाला अगर कुछ हम लोग का हेल्प कर दे तो इसी में हम लोग का भलाया हो सकता है।